नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबेरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में जैसे ही किसानों को आंधी, बारिश और गर्मी से हल्की राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों पर ओलावृष्टि का कहर भी टूट पड़ा। वहीं इस बीच दो किसानों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थाना सिकंदरपुर इलाके के रजेपुर कुर्रा नगला गांव के दो किसान शुक्रवार तड़के लगभग 4 बजे खेत में गेहूं काटने पहुंचे थे, तभी उसी दौरान तेज चमक के साथ बादल गरजा तो दोनों किसान खेत में मौजूद झोपड़ी में छुपने भागे। तभी उसी दौरान एकाएक आकाशीय बिजली 35 वर्षीय भूरे और 40 वर्षीय अरविंद पर जा गिरी, जिसमें दोनों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जब दोनों किसानों की मौत की खबर परिजनों को लगी तो परिजनों में चीख पुकार मचने लगी। तभी उसी दौरान मौके पर मौजूद किसी ने सारी घटना की जानकारी प्रशासन को दी तो मौके पर पहुंचे पटियाली एसडीएम रविंद्र कुमार व अन्य अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संतावना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आकाशीय बिजली गिरने से एक झोपड़ी में दो 35-40 वर्ष के दो युवक आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। और सुबह हम मौके पर पहुंचे, तहसीलदार साहब भी पहुंचे, तो वहां हमने देखा कि उनके जो परिवार थे दोनों की शादी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको समझाया कि आपको जो है सरकार की तरफ से जो भी अनुग्रह राशि है वो तत्काल जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को प्रेषित कर दी गई सूचना, और जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही 24 घंटे के अंतर्गत उनको अनुग्रह राशि प्राप्त हो जाए। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।